हेलो फ्रेंड्स, राजरानी की किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाना भेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मखाना को हल्का रोस्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने लिए 2 टेबल स्पून ऑयल और यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप मखाना डाला है और मैं इसे रोस्ट करूँगी 2 से 3 मिनट तक। हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए। ये रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब इसी पैन में मैं दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून के करीब, और फिर मैं यहाँ पे मूंगफली डालूँगी और इसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी। इसे भी हल्का भून लेंगे 2-3 मिनट के बाद और इसे भी डिश आउट कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, मसालों को 20 से 30 सेकेंड के लिए भुनेंगे और मखाना और मूंगफली दोनों इसमें मिक्स कर देंगे। सारे को अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक कि मसाले इस पर कोट ना हो जाए, इस तरीके से। उसके बाद मैं इसे एक अलग बोल में निकाल लूँगी। फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगी इसमें टमाटर, प्याज और यहाँ पे मैंने डाला है खीरा। हल्का ऊपर से डाल देंगे नींबू का रस और इसे कर देंगे मिक्स। ये काफ़ी चटपटी बनती है मखाना भेल, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्दी भी बन जाती है। हल्का नमकीन उसमें डाल देंगे और धनिया पत्ता। सारे को मिक्स करके इसे सर्व करें। ये बहुत जल्दी बनने वाली स्नैक्स है, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।